जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में बने संभागीय पेंशन कार्यालय में पदस्थ सहायक पेंशन अधिकारी चैतन्य शराफ को रंगे हाथों 19,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वहीं 38वीं सेवा पुस्तिकाओं को अनुमोदन करने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता रवि मिश्रा से प्रति सेवा पुस्तिका 500 की मांग सहायता पेंशन अधिकारी चैतन्य सराफा द्वारा की गई थी, जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा लोकायुक्त टीम को दी गई, जिसके बाद शाम 4 बजे पेंशन कार्यकर्ता में लोकायुक्त टीम ने दबिश देते हुए सहायक पेंशन अधिकारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दिनांक 31/8/2021 को प्रार्थी रविंद्र कुमार मिश्रा सहायक ग्रेड 2 DO कार्यालय पाटन ने एक लिखित शिकायत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत होकर किया कि 7वें वेतन आयोग के अनुमोदन हेतु कुल 38 शिक्षकों के की सेवा पुस्तिका में अनुमोदन होना था, जिसमें सहायक पेंशन अधिकारी पेंशन कार्यालय जबलपुर में पदस्थ श्री चैतन्य सराफ के द्वारा 500 रुपये पर पुस्तिका के हिसाब से 19,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एक टीम का गठन किया गया और आज दिनांक को लोकायुक्त टीम जबलपुर के द्वारा श्री चैतन्य सराफ को 19,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।